नमस्कार, मैं हमजा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। संसद की सुरक्षा में बड़ी खामी, लोकसभा में कार्रवाई के दौरान दर्शक दीर्घा से कूदे दो युवक। संसद पर हमले की 22वीं बरसी पर सुरक्षा में बड़ी खामी सामने आई है। लोकसभा में कार्रवाई के दौरान दर्शक दीर्घा से दो युवक कूद गए और पीले रंग की गैस स्प्रे कर दी। कार्यवाही में मौजूद सांसदों ने बताया कि इससे अफरा तफरी मच गई। कुछ सांसद अनहोनी की आशंका से बाहर भागने लगे, जबकि कुछ सांसदों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया। इसी बीच संसद के सुरक्षाकर्मी आ गए और दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। दोनों आरोपियों को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट के सदस्य पूछताछ कर रहे हैं। सांसद दानिश अली ने बताया कि दोनों आरोपी मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा के नाम पर लोकसभा विजिटर पास पर आए थे। संसद की सुरक्षा में खामी ऐसे दिन हुई है जब संसद भवन पर हमले की 22वीं बरसी है। 13 दिसंबर 2001 को आतंकियों ने संसद भवन पर हमला किया था, जिसमें 9 जवान शहीद हुए थे और 5 आतंकी मारे गए थे। लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों को किया आश्वस्त, कहा मामले की जांच शुरू। संसद की सुरक्षा में खामी पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों को आश्वस्त किया है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। स्पीकर ने कहा कि सदन के भीतर साधारण धुआं था और इस घटना की जांच की जा रही है। संसद की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर ओम बिरला ने कहा कि अंतिम जांच रिपोर्ट आने पर सदन को अवगत कराया जाएगा। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे दो लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। सदन में कूदने वाले दोनों युवकों को पकड़कर उनसे सभी सामग्री जब्त कर ली गई है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। सदन की कार्यवाही चलती रहेगी। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 2001 में संसद पर हमला हुआ था और आज फिर इसी तिथि को हमला हुआ है। इससे साबित होता है कि सुरक्षा में लापरवाही हुई है। मध्य प्रदेश में नई सरकार, मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने ली शपथ। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मोहन यादव के बाद जगदीश देवड़ा ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद राजेंद्र शुक्ला ने मंत्री पद की शपथ ली। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद रहे। शपथ ग्रहण से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुलाकात की। शिवराज सिंह की विदाई पर भावुक हुए समर्थक, गाड़ी घेर कर लगाए मामा मामा के नारे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्टेडियम से बाहर निकले तो बड़ी संख्या में समर्थकों ने उनकी कार को घेर लिया। भावुक हुए समर्थक शिवराज सिंह चौहान के सामने मामा मामा के नारे लगाने लगे और उनसे मिलने के लिए बेताब नजर आए। ये देखकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी गाड़ी धीमी कराई और समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। इससे पूर्व जब शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तो कई महिलाएं उनसे मुलाकात करने पहुंची थीं। इस दौरान महिलाएं फफक फफक कर रोने लगी। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें गले लगाकर ढांढस बंधाया। हालांकि पूर्व सीएम भी भावुक हो गए थे। छत्तीसगढ़ में विष्णुराज शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी सहित मौजूद रहे बड़े नेता। छत्तीसगढ़ के मनोनीत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साइंस कॉलेज मैदान में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इसी के साथ आदिवासी समाज के दिग्गज नेता विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री बन गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। इससे पूर्व शपथ ग्रहण समारोह को खास बनाने के लिए कर्मा दल ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों और परंपरागत नृत्य दल ने शानदार प्रस्तुतियां दी। वहीं रायपुर में शपथ ग्रहण समारोह स्थल के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोनीत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का स्टैचू लगाया गया था। महादेव ऐप मामले का आरोपी रवि उप्पल दुबई में गिरफ्तार,
प्रत्यार्पण कर वापस लाएगी सरकार। महादेव बैटिंग ऐप मामले में दुबई पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों में से एक रवि उपल को गिरफ्तार कर लिया है। जल्द ही उसे प्रत्यार्पित कर भारत लाया जा सकता है। रवि उपल 6,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस का कथित मास्टरमाइंड है, जिसमें छत्तीसगढ़ के निवर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम आया था। महादेव ऐप का दूसरा प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को भी जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी ने रायपुर की स्पेशल कोर्ट से सौरभ और रवि के खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल किया था। आरोपी में से एक का आरोप है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर्स ने कांग्रेस नेताओं को 500 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी। गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव को भारत का समर्थन, अमेरिका सहित 10 देशों ने किया विरोध। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारी बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें गाजा में युद्ध विराम की मांग की गई है। इस प्रस्ताव के समर्थन में भारत समेत 153 देशों ने मतदान किया, जबकि अमेरिका, इजराइल और ऑस्ट्रिया सहित 10 देशों ने विरोध किया। अर्जेंटीना, यूक्रेन और जर्मनी सहित 23 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। प्रस्ताव में तत्काल मानवीय युद्ध विराम करने, सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई और मानवीय पहुंच सुनिश्चित करने की मांग की गई है। ये भी कहा गया है कि सभी पक्ष नागरिकों की सुरक्षा के संबंध में मानवीय कानूनों सहित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अपने दायित्वों का पालन करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।